इंदौर एरोड्रम पुलिस थाने में एक वर्ष छह महीने में एक भी महिला संबंधी अपराध दर्ज नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए कि एरोड्रम पुलिस थाने में जाने वाले मामले की तीन बार काउंसलिंग की जाती है, जिससे कि शिकायतकर्ता संतुष्ट होकर घर लौट जाता था। लेकिन एक दिन पूर्व थाने पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दरअसल इंदौर के अंबिकापुरी में रहने वाली एक 32 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके साथ रहने वाले मनीष विंसबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने काउंसलिंग की, लेकिन मनीष महिला को रखने की बात से मुकर गया, जिसके बाद एरोड्रम पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में मनीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रार्थिया के आवेदन पर थाना एरोड्रम में आरोपी मनीष बिजवा के खिलाफ 376 कायम किया गया। ये आप सही बोल रहे हैं कि यह थाना एरोड्रम का ही रिकॉर्ड छू गया। थाना एरोड्रम में 22 अक्टूबर 2018 को 376 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसके उपरांत 28 जून 2020 को 376 धारा का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। सर, इस मामले में भी काउंसलिंग और वो सब कुछ किया गया था? हाँ, इसमें चूंकि प्रार्थिया द्वारा यह बोला गया था कि पहली पत्नी, जो पत्नी जिससे शादी करके लाया, उसको भी अपने घर में रखे और मुझे भी रखे, मुझे चाहे घर में लगे चाहे पृथक रखे। महिला के द्वारा शर्त रखी थी कि केवल मुझे एक लिखित में ये दे दे कि मेरे साथ जैसे रह रहा था वैसे ही रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं दूसरी पत्नी रखने में। लेकिन चूंकि आरोपी द्वारा शादी कर ली गई थी और किसी भी स्थिति में उस महिला को रखने के लिए तैयार नहीं था, हमारे द्वारा काउंसलिंग भी कई करी गई, 10 से 12 घंटे बातचीत की गई, लेकिन आरोपी मानने को तैयार नहीं हुआ, इस कारण प्रकरण पंजीबद्ध किया। सर, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या है? आरोपी की गिरफ्तारी जल्दी ही गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि आरोपी अभी घर में फरार है, इसलिए आज संभवतः आज ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।